बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम प्री-9 क्लास फॉर लेसन नंबर 24 ऑफ जनरल मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6। दिस चैप्टर इज़ अबाउट एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 6। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हियर वी हैव टू रेडिकल and both are radical of order 5. First is the radical of order 5 having 4 and second is the radical of order 5 having 128. So first of all we have to write these radicals into the exponential form. It is actually the radical of order 5, that's why I write here 4 on the whole power 1/5 and similarly 128 on the whole power 1/5. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ, अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट है और इनके एक्सपोनेंट सेम है तो आप एक्सपोनेंट को वन टाइम राइट करेंगे और बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सिंपली 1 ऑन द होल पावर 1/5 को वन टाइम राइट करते हैं और 4 और 128 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड फाइनली वी गेट 512 ऑन द होल पावर 1/5। नाउ वी हैव योर आंसर। Now you have your answer in exponential form, so convert it into the radical form. इसको जब हम radical form में convert करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, it is 512 under the radical of order 5. Now moving toward the next part, part number 4, square root 2 divided by radical of order 9 having 32. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करें, 2 ऑन द होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 32 ऑन द होल पावर 1/9। अब 2 के ऊपर पावर 1/2 है, 32 के ऊपर पावर 1/9 है। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ कंसिडर करें तो आप इनकी बेसिस भी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। ऐसा तो हमारे पास कोई लॉ ही मौजूद नहीं जिसमें बेसिस भी डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो। एक चीज़ का सेम होना ज़रूरी है, तो हम पावर सेम कर नहीं सकते, ये हमारे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बेसिस सेम कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि आप देखें कि 32 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 32 आ जाए। गुड, 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सो यू ऑब्टेन 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इट्स मीन 2 पावर 5 इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 32। तो मैंने यहाँ पे 32 को 2 की फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास 5 और 1/9 अकॉर्डिंग टू पावर लॉ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1/9 एंड देन यू गेट 5/9। सो 2 ऑन द होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 ऑन द होल पावर 5/9। नाउ अकॉर्डिंग टू कोशेंट लॉ, आपके पास बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। द बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो सो यू शुड राइट द बेस ओनली वन टाइम एंड सेपरेट दीज टू एक्सपोनेंट्स। सो 2 ऑन द होल पावर 1/2 -5/9। इसका रफ वर्क में हम सॉल्व करते हैं। अगर आप 1/2 में से -5/9 करें तो किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है देखें। यहाँ पर दीज टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक, तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें। 2 और 9 का एलसीएम क्या आता है? 18। सो 18 को अंदर रख के 2 पर डिवाइड करें, 2 9 ज़ा 18। इट्स मीन आपके पास आंसर 9 आया, 9 1 ज़ा 9। माइनस साइन एज इट इज़, अगेन 18 को अंदर रख के 9 पर डिवाइड करें, 9 2 ज़ा 18। सो 2 आंसर आया, 2 5 ज़ा 10। सो 9 - 10 -1/18, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ऑन द होल पावर -1/18। अब यहाँ पर 2 ऑन द होल पावर -1/18 है, इट्स मीन कि अगर आपने इस पावर को पॉजिटिव करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब आपके पास पावर बन जाएगी 1/2 ऑन द होल पावर 1/18। तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर आप अपने रेडिकल फॉर्म में राइट करें, इट विल बिकम 1 ओवर रेडिकल ऑफ ऑर्डर 18 हैविंग 2। सो नेक्स्ट योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1, 3, 5 एंड 6, बिकॉज पार्ट 2 एंड 4 आर डन इन क्लास 1। सो यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ।